सबसे पहले हिंदू जनजागृति समिति, सनातन संस्थान, सामने विराजमान संतगण मंच पर और मेरे सामने बैठे सभी धर्म बंधु, और सबसे बढ़कर गुरुजी जिनके प्रताप से ये सारा आयोजन चलता है, उनके चरणों में शत शत नमन, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया और मैं सम्मान का अनुभव करता हूँ कि मुझे यहाँ पर आने का अवसर मिलता है। पिछले कुछ दिनों से हम सब विषय की चर्चा कर रहे हैं, मैं इसको जिस ढंग से देखता हूँ उस ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। मैं एक ऐसे घर की कल्पना करता हूँ, एक भरा पूरा घर है जिसमें कुछ बच्चों को कोई पड़ोसी है जो बरगला के या मिसगाइड करके अपने साथ किसी दूसरे रास्ते पे ले जाता है। अब ये जिनको बरगला लिया है, उनको ड्रग एडिक्ट बनाया है या किसी दूसरे रास्ते पे ले गए हैं, तो घर के बड़े होने के नाते हमारा दायित्व होता है कि हम उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि आप जिस रास्ते पे चले गए थे वो गलत है, आप वापस आइए। और आज मैं स्पेसिफिकली ये इस्लाम के या मुसलमानों के संदर्भ में रखने वाला हूँ। मुसलमानों के समाज में हर तरह के लोग मिलते हैं, जैसा हर समाज में होता है। कुछ वो भाई हैं हमारे जो सेंसिबल भी हैं और सेंसिटिव भी हैं, जिनमें संवेदना ख़त्म नहीं हुई है। हाँ, कुछ ऐसे हैं जो पूरी तरह रेडिकलाइज हो चुके हैं, उनके लिए हमारे वीर भाई बैठे हैं या अभी राजा जी बात करेंगे उनसे वो कैसे निपटते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर उद्देश्य उन लोगों से है जो हैं मुस्लिम समाज में लेकिन समझदार भी हैं, सेंसिबल भी हैं, सेंसिटिव भी हैं, और उन्हें हम समझा सकते हैं कि आपने जो रास्ता कहीं चुन लिया था वो गलत था और हम आपको लाना चाहते हैं। अगर वो रास्ता ठीक है तो हम भी उस पर चल सकते हैं। तो ऐसे आज मुस्लिम समाज में भी बहुत से लोग हैं, हम उसको एक गुट मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर बहुत सारी विविधता है। उसमें एक मैं आपके साथ कुछ नाम शेयर करूँगा। एक हैं इमाम तौहीदी, ऑस्ट्रेलिया से हैं ये। उन्होंने एक ट्वीट किया था, मैं इससे शुरू करता हूँ। उनका कहना है कि जो लोग इस्लाम की दुकान चलाते हैं उन्होंने एक महारत हासिल कर लिया है कि उनकी किताबों में जो वॉयलेंस की बात की जाती है उनको दूसरे कल्चर्स पे, दूसरी संस्कृतियों पे और दूसरी पुस्तकों पे थोप देते हैं। अब ये एक इमाम है जो बता रहे हैं। अब दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये हमारे देश के ही हैं, सब लोग परिचित हैं इनसे, असदुद्दीन ओवैसी। इनका एक भाषण आया था, कृपया पहले उसे सुन लेते हैं फिर मैं आगे की चर्चा करता हूँ। ये मुल्क के मफाद में नहीं है कि तुम इस्लाम को बदनाम करो। इस मुल्क में 14 करोड़ गयूर मुसलमान रहते हैं और हमारा दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। अब कोई ये बोलेगा कि नहीं, वो कोई एक बच्चे को पकड़े बेंगलुरु में, ट्विटर कहते होने, क्या क्या है जी, ये ट्विटर क्या हैंडल कर रहा था आईएसआईएस का, और वो बच्चा बोला, नहीं मालूम बोला नहीं बोला, मगर बोला अखबार में आया कि कुरान में अल्लाह ने किसी की गर्दन मारने का हुक्म दिया कि काफिरों की गर्दन मारो। मैं पूछना चाह रहा हूं उस बच्चे से, कौन सी कहे तुम्हारे को इस्लाम? तुम कुरान पर इल्जाम लगा रहे, तुम झूठे हो। और अगर कोई ये कह रहा है कि कुरान में अल्लाह ने गर्दन मारने के लिए कहा तो इससे बड़ा इल्जाम कुरान पर नहीं हो सकता। अरे डरो, अल्लाह का खौफ करो, अल्लाह का खौफ करो। ये कौन है बच्चा ये, जिस तरह की गलत झूठा इल्जाम कुरान पर लगा दिया? कौन है लोग भटका रहे उनको? इसलिए नौजवानों, इस्लाम को सीखना है ना तो उलमाओं के पास बैठो। किसी भी मकतब फिक्र का तुम्हारा ताल्लुक होगा मगर उलमाओं के पास बैठो। मगर ये लोग क्या कर रहे, नहीं बहुत बड़े वक्त के आलिम है कहते, आजकल उन्हों इमाम है कहते, और उनका नाम क्या है मालूम आपको? हजरत गूगल। कंप्यूटर पे बैठ के मारता उन्हें, व्हाट इज जिहाद? किसी और मजहब की औरतें हैं तो उठाकर लेकर चले जाओ,
$100 में औरत को भेज दो, ये इस्लाम नहीं है मेरे दोस्तों। अभी मैंने इसको एडिट करके थोड़ा थोड़ा रेलेवेंट पोर्शन ही दिखाया था। इसमें दो चीज़ें हैं जिस पे हमें ध्यान देना है। पहला उसका कहना है कि कुरान में कहीं पर ऐसा नहीं लिखा कि काफिरों के गले काटने हैं, उनकी गर्दनें मारनी हैं। और दूसरा कि अगर दूसरे मज़हब की औरतें हैं तो उनको उठा के ले जा सकते हैं। अब कुरान में दो जगह पर लिखा है गर्दनें मारने का, काफिरों के गले काटने का। जो इमाम तौहीदी कह रहे थे ना कि इनको एक महारत हासिल है कि अपनी जो कमियां हैं वो दूसरों के ऊपर थोप देते हैं, तो अभी ये क्या कर रहा है इस स्पीच में, ये ऐसा शो करने की कोशिश कर रहा है कि गूगल या इंटरनेट से गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हो सकता है वो ठीक हो, इसलिए मैंने मार्केट से कुरान खरीदी जो हमारे देश की मार्केट्स में मिलती हैं, और कंपेयर करने की कोशिश की कि ऐसा सच में लिखा है या नहीं लिखा। तो ये कुरान है जो दिल्ली की मार्केट में सबको मिल सकती है, पब्लिशर जामिया मिलिया के हैं, और कुरान पब्लिशिंग हाउस का नाम है मधुर संदेश संगम। और जो मैं आपसे दो आयतें बता रहा हूँ, 8वां चैप्टर है अनफाल, उसकी 12वीं आयत है। वो बोलती है कि काफिरों के गले मारने हैं, काफिरों के गले काटने हैं। अब ये दूसरी है फतेह मोहम्मद खान जलंधरी, उनकी लिखी हुई कुरान है, इसमें भी सेम है कि जो 8वां चैप्टर की 12वीं आयत है वो काफिरों के गले काटने की बात बताती है। फिर इसी तरह से जो 47वां चैप्टर है सूरह मोहम्मद, उसकी जो 4थी आयत है वो भी काफिरों के गले काटने की बात करती है, जब तुम काफिरों से भिड़ जाओ तो उनकी गर्दनें उड़ा दो। तो बड़ा स्पष्ट लिखा है इसमें। अब यहाँ पे जितनी आप कुरान जाके देखेंगे मार्केट में से, इंटरनेट पे, सब में ये चीज़ें बड़े क्लियर रूप से लिखी हुई हैं, लेकिन हमारे लिए सिग्निफिकेंट क्या है कि वो कुरान के नाम पे झूठ बोल रहा है जो कुरान के नाम से अपनी दुकान चलाता है। अब कोई भी दुकानदार झूठ कब बोलता है, जब उसे डर होता है कि उसके जो ग्राहक हैं, उसके जो कस्टमर हैं, उसका जो कस्टमर बेस है वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए वो कुरान के बारे में ही झूठी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इससे हमें उसका एक डर समझ में आना चाहिए कि ऐसे लोग मुसलमान समाज में हैं जिनको अगर ऐसी सच्चाइयाँ पता लग जाएंगी तो वो असदुद्दीन ओवैसी या उस जैसों की दुकान छोड़ के चले जाएंगे। और मेरे ख्याल से हमें करना भी यही चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि दूसरे मज़हब की औरतों को उठा लेना ये इस्लाम नहीं है। कुरान का 4था चैप्टर है सूरह निसा, आयत नंबर 24, इसमें बताते हैं, और शौहर वाली औरतें भी तुम पर हराम हैं मगर वे जो कैद होकर लौंडियों की शक्ल में तुम्हारे कब्ज़े में आ जाएं। लौंडी शब्द जो अरबी इसका जो एक्सप्रेशन है वह है माँ मलकत आय मानुकुम, इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करते हैं व्हाटएवर योर राइट हैंड पोजेसेस, कि जब आप लड़ रहे हैं आपके कब्ज़े में जो आ गई हैं वो आपके लिए हैं। हिंदी की कुरान में यहाँ पे हमारे देश में उसको लौंडी या जरखरीद गुलाम लिख देते हैं। तो ये जो आयत है ये स्पष्ट करती है कि कुरान में ही आदेश मिलता है कि अगर औरतें आपके कब्ज़े में आ जाती हैं, वो स्पेसिफिकली जैसे आजकल वो ISIS वाले यजदी महिलाओं के साथ कर रहे हैं, उसके एग्जाम्पल में ये फिट बैठता है। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर एक नंबर फुट नोट के लिए लिखा हुआ है। अब ये फुट नोट क्या कहता है, यानी दारुल हर्ब की औरतें अगर खाविंद वाली हों तो भी हराम नहीं है, जबकि दारुल हर्ब से निकलें, दारुल हर्ब यानी जहाँ पर इस्लाम का राज नहीं है, तो खाविंद वाली हों, मैरिड हों तो भी तुम्हारे लिए हराम नहीं है। तुम अब आप इसका मतलब अपने आप समझ सकते हैं। और अगर खाविंद, उनके खाविंद ना आए, अगर उनके खाविंद भी मुसलमान हो जाएं तो अपनी जोरू ले लें। अब ये चीज़ें स्पष्ट रूप से उसकी उसी किताब में मिलती हैं जिसके नाम से उसने पूरी दुकान चला रखी है, लेकिन झूठ बोलता है। हमें एक समाज के रूप में करना क्या है, सिर्फ सच बताना है। मैं इसे बार बार बोल रहा हूँ, सत्यमेव जयते, हम इसकी बात तो करते हैं। हमारा जो संविधान है वो हर किसी को अपना जो मज़हब है, जो रिलीजन है, हमारे केस में वो धर्म है, उसको बढ़ाने की अनुमति देता है। और हमारे लिए जो खास बात है, हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो शक्ति है, वो ये है कि हमें सिर्फ सच बताना है। अब जैसे असदुद्दीन ओवैसी का मैंने एग्जांपल दिया कि वो झूठ बोल के अपनी दुकान सजाने की कोशिश करता है, तो सच जानने वाले लोग उधर भी हैं। अब इसमें हम ये जानते हैं कि हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता, हमारे देश में भी टेररिस्ट नहीं है, हम हर मुसलमान को टेररिस्ट नहीं कह सकते,
अब ये एक आदमी है, इसका नाम है हसन मुसाब यूसुफ। फिलिस्तीन वाले इलाके में हमास नाम की एक संस्था काम करती है, उसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनमें से एक का बेटा है ये, और अब ये इस्लाम को छोड़ चुका है। इसका कहना कि मैंने अध्ययन किया है इस्लाम का, और जो इसकी वर्डिंग है ये कहता है द गॉड ऑफ कुरान इज़ अ टेररिस्ट, और जब तक हम उसको नहीं चेंज करेंगे तब तक टेररिज्म खत्म नहीं हो सकता। And what I say that the God of Islam himself is the biggest terrorist. तो हमें ये जानना है कि हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो हितेशी हैं, जो धर्म पे चलना चाहते हैं, वो दूसरी ओर भी हैं। हमारा काम होना चाहिए उनको अपने साथ लेके आने का। और ये जो आदमी है ये क्योंकि उधर मिडल ईस्ट के आसपास वाले इलाके में रहा था तो ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ऐसे बहुत से मुसलमान हैं जिनको ये रास्ता नहीं मिलता कि वो इस्लाम छोड़ें, तो उनके पास ऑप्शन क्या है, वो कहाँ जाएं? तो सबसे अच्छा ऑप्शन हमारे पास है, सनातन धर्म से अच्छी ऑप्शन शायद नहीं मिल सकती उनको। तो ऐसे लोग हमारे लिए एक अच्छे एम्बेसडर हो सकते हैं, हमारा काम ये लोग कर सकते हैं अगर हम इसका प्रयास करें तो। इसी कारण से जो विवेकानंद कार्य समिति की हम बात कर रहे थे, उसकी स्थापना ही मैंने इसलिए की थी कि विवेकानंद जी ने कहा था, कल किसी ने बोला भी कि विवेकानंद जी ने भी कहा था कि एवरीवन हु गेट्स कन्वर्टेड आउट ऑफ हिंदुइज्म इज़ नॉट ओनली अ हिंदू लेस बट एन एनिमी मोर। स्वामी विवेकानंद की बात को मानना है तो उसके लिए भी हमें कोई झूठ कोई कपट करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सच से काम चल सकता है। ये है सरमद अहमद, अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको मिलेंगे, पाकिस्तान में जन्म हुआ। अब इनका जीवन कैसा है ये बताते हैं कि जब मैं कुरान सुनता था तो कई बार मुझे लगता तो था कि गलत है, लेकिन मैं छोटा था तो मैं आँख मूंद लेता था, मुझे लगता था शायद मेरी समझ में नहीं आ रहा कुछ कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो बड़े होते गए लेकिन वो तड़प अंदर रही कि इस तरह का कैसे हो सकता। तो पाकिस्तान में थे तो वहाँ पर अहमदिया से मिले तो ये अहमदिया बन गए, इनको लगा कि अहमदिया थोड़े से बेटर हैं, थोड़े से ज़्यादा अहिंसा की तरफ तो एक कदम आगे हैं। लेकिन थोड़े टाइम बाद इनको ये समझ में आया कि जो अहमदिया हैं वो भी सिर्फ जो बाहर की सुर्खी बिंदी है वो अलग है, लेकिन अंदर जो कोर है वो वही वाली है, वही हिंसात्मक है। तो इन्होंने फिर अहमदिया को भी छोड़ा, अब पाकिस्तान में पले बड़े हैं, वहाँ पर इनका जीना मुश्किल था, तो अब एज अ रेफ्यूजी यूरोप में रहते हैं। इनका मैं एक एक जो इन्होंने किस्सा बताया वो आपसे शेयर करता हूँ। इनका कहना है कि अरेबिया के पैगंबर थे एक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला करके, जिन्होंने इस्लाम की स्थापना करी, कहते कि हमें बचपन से बताया जाता था कि वो बड़े दयावान व्यक्ति थे, और उनके विषय में एक कहानी जो हमारे देश में चलती है, सिर्फ हमारे देश में नहीं चलती, ये पाकिस्तान में भी चलती है, बांग्लादेश में भी चलती है, बाकियों में भी शायद चलती होगी। इसमें क्या कहा जाता है कि ये जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला व्यक्ति था जिसने इस्लाम की शुरुआत की, मक्का में रहता था, तो जब ये मक्का की गलियों से गुजरता था तो एक महिला थी जो इनसे चिढ़ती थी, वो इनके सर पे रोज़ कचरा फेंक देती थी, लेकिन ये दयावान थे तो ये उसको कुछ प्रतिकार नहीं करते थे, चले जाते थे वहाँ से, तो ये रूटीन बनी हुई थी। एक दिन उस लेडी ने, ये वहाँ से गुजरे तो कचरा नहीं डाला, दूसरे दिन गुजरे तो भी नहीं डाला, तो अब इतने दयामान व्यक्ति हैं ये व्यक्ति थे कि तीसरे दिन उस महिला के घर पहुंच गए ये पूछने के, बहन तुम ठीक ठाक तो हो? इस कहानी की थोड़ी बहुत वेरिएशन चलती है, कुछ कहानियों में इस महिला को यहूदी बताया जाता है, कुछ में सिर्फ मक्कावासी बताया जाता है। तो ये जो सरमद अहमद हैं, इनको जब किसी ने बताया कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जीवन भर कत्ल करता रहा, महिलाओं के साथ उसने दुराचार किया, तो बोले मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने उनको बताया कि हमें तो ये बताया गया है। तो इस्लाम की एक तो कुरान किताब है, फिर कुछ हदीसें हैं, तो ये अपने इमाम के पास मौलाना के पास पहुँचे कि बताइए ये जो कहानी है जो हम सुनते हैं ये कहाँ पर है, किस हदीस में है? तो बोले कि मुझे पता लगा कि ऐसी कोई घटना घटी नहीं थी, ये सच है ही नहीं है, ये झूठ है। तो कुरान के विषय में असदुद्दीन ओवैसी झूठ बोलते हैं, और मोहम्मद के बारे में जो पैगंबर मोहम्मद है इनके, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, उनके विषय में भी ये झूठ बोला जाता है। अब झूठ आदमी कब बोलता है? जब उसको डर होता है, और इसलिए वो प्रोडक्ट को
उस तरह से बेचने की कोशिश करता है। अब मोहम्मद का जो जीवन है उसमें मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब ये मदीना में शिफ्ट हुए तो वहाँ पर एक 3 यहूदी कबीले थे, तो एक कबीले को निष्कासित कर दिया, दूसरे को निकाल दिया। जब ये दूसरा कबीला निकला तो कुछ लोग मदीना से लगभग 150 किलोमीटर दूर खैबर नाम की जगह, वहाँ जाके बस गए। अब एक कबीला बचा था लास्ट, बनू कुरैज़ा, उनको मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और इनके साथियों ने घेरा और वो बेचारे अंदर डटे तो रहे, लेकिन जब खाना पानी ख़त्म हो गया तो उन्होंने बोला हम आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं। आत्मसमर्पण जब उन्होंने किया तो जो यहूदी थे लगभग 800 के आसपास पुरुष थे, उन सब की गर्दनें काट के वहाँ मदीना में जो मेन मार्केट है वहाँ पर खड्डा खोदा हुआ था, वहाँ पर उनकी गर्दनें और उनके शव दफना दिए गए। ऐसा माना जाता है आज भी खुदाई करेंगे तो शायद वो शव मिल सकते हैं जो 1400 साल पहले दफन थे। और जो बाकी के 1300-1400 बाकी के उस कबीले के लोग थे, महिलाएं, बच्चे, वृद्ध जो थे, उनको गुलामों की तरह बेच दिया गया। और जो उनमें से सबसे सुंदर महिला थी, रेहाना नाम था उसका, उसको मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के कमरे में लाया गया उसी रात जिस रात उसके परिवार की हत्या की गई। और उसे ऑप्शन दिया गया कि इस्लाम में कन्वर्ट होना है या यहूदी रहना है। उसमें शायद स्वाभिमान ज़्यादा रहा होगा, उसने कहा मैं यहूदी रहूँगी। तो उसे इन्होंने अपनी, अब जो कुरान का शब्द है लौंडी, वो बना के रखा था। अब ये जो यहाँ पे लोग मारे गए यहूदी, उनमें से एक यहूदी ऐसा था जिसकी बेटी खैबर में विवाहित थी, उसका नाम था सफ़िया। इस घटना के 4-5 महीने बाद वो जो खैबर का एक मुखिया था उसका मर्डर किया गया। वो भी इन्होंने अपने लोग भेजे थे, 4-5 लोग भेजे कि आप जाओ उसके घर में, घर में घुसे उसको तलवारें मार के मार दिया। जो सफ़िया थी जिसका पिता वहाँ मर चुका है, ये जो मुखिया है ये उसका ससुर था। तो यानी अब तक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पिता को भी मार चुके हैं और ससुर को भी मार चुके हैं। फिर जो इसका पति है सफ़िया का, वो मुखिया बनता है। तब इन्होंने अटैक किया मुसलमानों ने वहाँ पर, और फिर से वहाँ पर जो मर्द हैं उनको मारना शुरू किया। अब ये जो इसका पति था किनाना, उसको अरेस्ट कर लिया और फिर से वहाँ पे उन्होंने आत्मसमर्पण किया। अब उसमें शर्त ये थी कि आप अपना सारा साजो सामान हमें दे के जाओगे तो आत्मसमर्पण माना जाएगा। वो संपन्न व्यक्ति था किनाना, वो उसके पास कुछ बर्तन थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वो किराए पर दिया करता था। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने कहा कि पूछो भाई वो सामान कहाँ है। तो उसने कुछ कहा कि नहीं है या चला गया। तो उसको बांध के टॉर्चर करना शुरू किया, टॉर्चर करने के लिए उसकी छाती पे आग लगाई। जब उसने नहीं बताया तो उसकी गर्दन काट दी और साथ में उसका एक कज़न था उसको भी मार दिया गया। फिर इस सफ़िया को, जिसका पति भी मार दिया है, बाप और ससुर पहले मारे जा चुके हैं, उसको एक दूसरी महिला के साथ वहाँ उस शव के सामने लाया जाता है। तो बेचारी सन्न रह जाती है। तो जो इनकी बायोग्राफी आती है मोहम्मद की, उसमें है कि उन्होंने अपना शॉल उतार के उस लड़की के कंधे पे रख दिया, जो ये इशारा करता था कि अब ये लड़की मोहम्मद के लिए है। और उसी रात उसको मोहम्मद के टेंट में, तंबू में ले जाया जाता है और उसका निकाह हो जाता है। जो वहाँ शब्द आता है वो निकाह है। और फिर उसमें उल्लेख आता है कि एक रात के समय मोहम्मद को लगा कि बाहर कुछ हलचल हो रही है, तो बाहर निकला तो उसका एक साथी वहाँ नंगी तलवार लिए खड़ा था। तो पूछा कि तुम क्यों खड़े हो? बोला कि जवान लड़की है, अभी अभी इसके परिवार को हमने मारा, तो मुझे था ये आपको रात को तंग कर सकती है, आप पे हमला कर सकती है। तो अब इसमें आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो आप देखिए। लेकिन ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो पैगंबर हैं उनकी कहानी है, जिनके बारे में बताया जाता है कि महिलाओं का सम्मान करते थे। और ऐसी महिला थी जो सिर पे कचरा डालती थी, उसकी भी जाके हालचाल पूछा करते थे कि कैसी है। और जो झूठ बताया जाता है, अभी ये पिछले महीने मई में जब ये हमारी सरकार ने रमज़ान या रमदान का सीज़ फायर किया, तो एक बड़ा प्रमुख अखबार है हमारे देश का, उन्होंने एक आर्टिकल छापा जिसमें ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से इस्लाम शांति की बात करता है। तो इसमें एक एग्जांपल दिया, जब
यहाँ से रमदान के सीज़ फायर की सरकार ने बात की तो लश्कर तैयबा ने रिजेक्ट कर दिया था कि हम इस तरह का कोई सीज़ फायर नहीं मानते हैं, और जो रमज़ान की 17 तारीख है उसको विशेष रूप से माना जाता है। जो ये 17वां दिन है उसमें कहा जा रहा है, अब इस लेख में क्या कहा गया कि 17 रमज़ान को एक जंग छिड़ी थी, जंग हुई थी मदीना के आसपास, उसे अरबी में बोला जाता है गजवल बद्र और उर्दू में कहते हैं जंगे बद्र। इसमें उन्होंने एक शब्द लिख दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इट वॉज अ डिफेंसिव वॉर, एन इस्लामिक बैटल पॉपुलरली नोन एज जंगे बद्र इन उर्दू विद अ विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफेंसिव बैटल। इस जंग को डिफेंसिव बैटल बताया गया है। अब आप थोड़ी सी इसकी अगर हिस्ट्री समझना चाहें, मोहम्मद ने मक्का से मदीना शिफ्ट किया, मदीना मक्का के उत्तर में लगभग 400 किलोमीटर पे, तो इनकी पत्नी मर चुकी थी, वो काफ़ी संपन्न महिला थी, तो अब इनको जब शिफ्ट किए तो पैसे की तंगी रहती थी, तो डिसीजन ये लिया गया कि कारवां जो होंगे उनको लूटा जाएगा, उनसे पैसे मिलेंगे और उनसे अपना गुजारा चलेगा। तो उसको अनफाल में, सूरह अनफाल में अच्छे से बताया कि आप काफिरों को लूट के पैसा रख सकते हैं अपने पास। इनको पता चला कि मक्का का एक कारवां जाने वाला है तो उसे लूटने के लिए निकले, लेकिन उन दिनों कई दिन लगते थे थोड़ा डिस्टेंस भी ट्रैवल करने में, ऊँटों पे जाना है, पैदल जाना है, तो मिसकैलकुलेशन हुई, वो कारवां निकल गया सीरिया, इनके हाथ से मिस हो गया वो। फिर वो 7-8 महीने बाद उसी कारवां को वापस आना था, तो इन्होंने कैलकुलेशन कर रखी थी कि जब ये वापस आएगा तब हम लूटेंगे, क्योंकि वो बहुत संपन्न कारवां होता था, पूरे मक्का की जो इकोनॉमी थी उस पर डिपेंड करती थी, तो ये उसको लूटने निकले हैं। अब वो जो कारवां का मालिक था उसे पता लग गया कि लूटेंगे, उसने रास्ता चेंज किया और निकल आया। दो काम किए उसने, रास्ता चेंज करके निकला मक्का पहुंचने के लिए, और दूसरा उसने मक्का में मैसेज भेज दिया कि मोहम्मद आ रहा है अटैक करने, तो डिफेंड करने के लिए आप सेना लेके निकलो। तो मक्का वाले अपनी सेना लेके निकले। अब वो जो कारवां था वो रूट चेंज करके बच गया, वो तो पहुंच गया मक्का में, लेकिन ये जो लड़ने के लिए आ रहे थे, डिफेंस के लिए आ रहे थे, उनकी लड़ाई हुई मोहम्मद की जो सेना थी उसके साथ और वो हार गए। ये है जंगे बद्र। अब इसमें आपको कहाँ पे डिफेंसिव दिखाई देता है आप अपने आप सोच सकते हैं। इस तरह के झूठों से इस्लाम को खड़ा किया जा रहा है, और हमारे लिए जो अच्छी बात है वो ये है कि ऐसे सेंसिबल और सेंसिटिव मुसलमान भी हैं जिनको हम ये चीज़ें बता सकते हैं और वो इस बात को समझ भी सकते हैं। यह है फरहान कुरैशी। अब ये अपने आप को हिंदू बताते हैं, कन्वर्ट हो गए हैं, और ये हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं। आप YouTube में जाएंगे तो ये भी आपको मिलेंगे। तो ये मैं आपके साथ इसलिए इन मुसलमानों को शेयर किया कि हमें उनका दर्द भी समझने की ज़रूरत पड़ती है। वो भी ब्रेन वॉश्ड हैं, उनको भी बेवकूफ़ बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वह इनके कारण, इस्लाम के कारण वहाँ बहुत सारे लोगों की दुकानदारी चलती है। तो ये रास्ता दिखाने का काम हमें करना चाहिए। इसीलिए जो विवेकानंद कार्य समिति है उसकी स्थापना इसीलिए की गई कि हम बड़ों को, बच्चों को, सबको समझा सकें कि आप देखिए, तुलना करके देख लीजिए, ये इस्लाम है, ये सनातन धर्म है। उसके बाद वो जिसको चुनना चाहते हैं उनकी इच्छा है। देखिए, कोई जो बचपन से एक चीज़ सुनता आ रहा है कि इस्लाम बड़ा अच्छा है या पैगंबर बहुत अच्छा था, उसको थोड़ा सा समय लगता है ये चीज़ समझने में, ये एक्सेप्ट करने में, फिर उसको कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। जो तो बहुत हिम्मत वाले हैं वो इमिजिएटली समझ जाते हैं, कन्वर्ट होते हैं, लेकिन ये सबके बस में इतना आसान नहीं होता। हमने हमें ये काम शुरू किया, ये पढ़ाना स्टार्ट किया, तो सबसे अच्छे होते हैं बच्चे जिनमें अभी छल कपट नहीं आया होता। 17, 18, 20 साल के बच्चे थे, उनकी हमने क्लास ली, उनको समझाया, मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, तो जब उनको ये सच समझ में आना शुरू हुआ तो हमने देखा कि ऐसा परिवर्तन आता है कि आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो अपने आप समझ जाते हैं। और ख़ास बात क्या है, हम इसमें ना झूठ का सहारा लेते हैं, ना कपट का सहारा लेते हैं, सिर्फ सच का सहारा लेते हैं। अभी आजकल पिछले 3-4 दिन से जब से मैं यहाँ आया हूँ, एक वो कर्नाटक की टेक्स्ट बुक्स का एक मैसेज आ रहा है बार बार कि वहाँ पे देखिए किस तरह से इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया जा रहा है। तो इसमें हमें थोड़ा जैसा मोदी जी से सीख ले लेनी चाहिए। उन्होंने एक भाषण में कहा था कि
कि मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान होनी चाहिए। मेरा मानना है कि मुसलमानों के नहीं, सबके हाथों में कंप्यूटर भी होना चाहिए और कुरान भी होनी चाहिए, और वो उसका सच पता होना चाहिए, सबके पास होनी चाहिए। ये अभी हम, मैं यहाँ देख रहा था कि कुछ लोग बड़े विचलित थे कि उनको इस्लाम पढ़ाने के लिए, इस्लाम प्रमोट करने की बात की जा रही है। उसमें एक क्वेश्चन था, राइट ए नोट ऑन द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। तो मैंने कहानी बताई, आप लिख सकते हैं उसमें, सच आप लिखना शुरू करें उसके अंदर तो बड़ा अच्छा आंसर मिलता है। उसमें पूछा गया कि इस्लाम कैसे फैला, हाउ डिड इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी स्प्रेड। तो आप बता सकते हैं, लेकिन वो बता हम तब सकते हैं अगर हमें सच पता हो। इसमें थोड़ा सा अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, पूरे इस्लाम को अगर समझना है, एक कुरान है, हदीसें जो हैं, हदीस मतलब जो मोहम्मद का जो जीवन था, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का, उसके जीवन की घटनाएं और उसने जो कुरान के अलावा बोला, उनको जिन किताबों में रिकॉर्ड किया गया है उनको हदीसें कहते हैं। उनके मरने के लगभग 100 साल बाद कंपाइलेशन हुआ। अब ऐसी 200 से ज़्यादा हदीसें मार्केट में मिलती हैं, लेकिन उनमें से सुन्नी इस्लाम में 6 हदीसें जिन्हें सिहा सत्ता कहा जाता है, जिनको ऑथेंटिक माना जाता है। तो एक कुरान, 6 ये किताबें, 7 एक जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है उसकी बायोग्राफी, 8 और एक हिदाया। ये 9 किताबों से पूरा इस्लाम आपको समझ में आ सकता है। जब आप इसका कंटेंट देखेंगे, जब पहली बार मैंने भी पढ़ा था तो मुझे लगा कि मैं बड़ा अचंभित हुआ इसको पढ़ के, कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं पूरा सेक्युलर, बल्कि मैं पहले लेफ्टिस्ट हुआ करता था। तो जब मैंने मुसलमानों से इंटरेक्ट करना शुरू किया तो वो बोलते थे हमें तो कुरान बड़ी अच्छी लगती है, तो मुझे और अचंभा होता था। तो मैंने थोड़ा डिटेल में पूछा, एक बच्ची थी, मैंने उससे पूछा तुम कुरान पढ़ते हो तुम्हें समझ में आती है, बोली नहीं हमें वो अरबी में पढ़ाते हैं। मैंने कहा फिर तुम्हें समझ क्या आता है, बोली मौलाना कहते हैं कि इसको अरबी में ही पढ़ना है, हिंदी में नहीं पढ़ना। तो आप सोच के देखिए कि किस तरह से उनको रोका जाता है, किस तरह से मिसगाइड किया जाता है। उन्हें पता है कि अगर बच्चों ने पढ़ लिया, समझ लिया इसको, वो जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है कि उलेमाओं के पास जाइए, उलेमा यही काम करेंगे, उनको बोलेंगे नहीं नहीं अरबी में पढ़ने का है, इसको हिंदी में नहीं पढ़ना, नहीं तो तुम्हें सच समझ आ जाएगा। अब इसमें देखिए, मैं फिज़िक्स पढ़ाता हूँ, कोपरनिकस ने किताब लिखी लैटिन भाषा में, लैटिन से उसका अनुवाद हुआ इंग्लिश में, मैं अपने बच्चों को समझाता हूँ हिंदी में, 3 भाषाओं में ट्रांसलेट होके आती है, लेकिन फिज़िक्स का कोई लॉ चेंज नहीं होता, कोई थ्योरी चेंज नहीं होती, वैसे का वैसा रहता है। क्या ये दुनिया की एक ही किताब है जो ट्रांसलेशन में चेंज हो जाती है? ऐसा तो नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता कि आज असदुद्दीन ओवैसी ने उसका सही मीनिंग निकाला है, लेकिन पिछले 1400 साल में जितने इस्लाम के ज्ञाता पैदा हुए उन सब ने झूठ ट्रांसलेशन लिखा है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। अगर आप, हाँ अगर आपको लगता है कि आवश्यकता है, तो मैं देश भर में कहीं भी आके इसका पढ़ाने के लिए, कराने के लिए तैयार हूँ। लगभग 20 घंटे का कोर्स है जो हमने तैयार किया है। आप कभी भी कहेंगे मैं सहर्ष आऊँगा, आप जैसे कहेंगे वैसा किया जा सकता है। और सिर्फ यह कि हमें ये बौद्धिक कार्य करने की आवश्यकता पड़ने वाली है और पड़ चुकी है। हालांकि ये जैसे वो कर्नाटका की किताबों का आया है, तो उसका आंसर देना है तो हम बड़े अच्छे से दे सकते हैं। सबके हाथ में कुरान भी होनी चाहिए, बाइबल भी होनी चाहिए और कंप्यूटर भी होना चाहिए। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।